अच्छा परफॉर्मेंस था वो चमा। कछुए पर इतनी मुश्किल से बैलेंस करके भी आपकी शक्ल पर कितनी अच्छी स्माइल थी। अब एक अच्छी खबर, आखिरकार 20 दिनों के बाद किडनैप हुए जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट को बचा लिया गया है। बहुत ही भयानक दिखने वाले किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे शिंजुकु स्टेशन। ये तो ओबो परिवार के लिए बहुत ही चिंता करने वाली बात है। इसके लिए हम आप सबको सतर्क कर, हमारा चामा बहुत ही भोला है, ज्यादातर बच्चे ही हैं, इसीलिए बच्चों का ध्यान रखने में किसी भी तरह की लापरवाही मत बरतिए। डांस करके दिखाऊं आपको? मेरी बात ध्यान से सुनो चामा, किसी भी अनजान इंसान से बिल्कुल बात मत करना। मतलब? कैसे समझाऊं? अगर कोई तुम्हें कैंडी खिलाने का लालच दे, तुम्हें नई नई कॉमिक बुक दिलाने का लालच दे, या फिर ये कहे कि वो तुम्हें एक नई वीडियो गेम खरीद कर देगा, ऐसे लोगों की झूठी बातों में मत आना। ऐसे लोग बच्चों को किडनैप करते हैं। हाँ मैं समझ गया पापा, ऐसे लोग दिखते ही उन्हें डिशुम डिशुम मुक्के मारूंगा। मैं दिखता छोटा हूँ लेकिन हूँ बहुत ही तेज। क्यों लग रहा हूँ ना एक्शन हीरो? लग रहे हो मेरे लाल, मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ओबो परिवार का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। सुनो काकिनो, हम होमवर्क साथ मिलकर करें। हाँ ओबो चमा के घर चलकर करते हैं। अभी मुझे कछुओं की सवारी करनी है, मैं होमवर्क कल क्लास में कर लूंगा। बाय बाय ओबो चमा। बाय बाय। बाय बाय। मुझे सीधे घर जाना चाहिए, कहीं मैं किडनैप ना हो जाऊं। चलो मेरे कछुओ। थोड़ा जल्दी चलो ना। अरे वाह, कितने प्यारे बच्चे हो, क्या तुम मेरे साथ झूला झूलने जाना चाहोगे? दूर रहो अनजान इंसान, पापा ने अनजान इंसान से बात करने के लिए मना किया है। चलो ना, मैं तुम्हें दुकान में लेकर जाऊंगा, नई वीडियो गेम्स, चॉकलेट और कॉमिक बुक्स दिलवाऊंगा। कौन सी वाली? अभी तो मेरे पास ये चॉकलेट है, ये बहुत ही स्पेशल चॉकलेट है, मेरे साथ चलो और दूंगा। बहुत ही स्पेशल है? हाँ, और बहुत टेस्टी भी है। चॉकलेट को देखकर तो मेरा दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। ओह, ये देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, मन कर रहा है अभी खा लूं। मुंह से पानी टपक रहा है। तो रोका किसने है? खाओ खाओ ना। हाँ, हाँ, एक तो खा ही सकता हूँ। अरे मैं तो चॉकलेट खत्म होने तक ही चलूंगा, मेरी चॉकलेट खत्म, बाय बाय। लो मेरे पास और भी हैं। ठीक है तो वो चॉकलेट खत्म होने तक पीछे चलूंगा। दो चॉकलेट। एक और खाना चाहोगे? इसके लिए गाड़ी में बैठना पड़ेगा। वो तो है, ये लो आराम से खाओ। आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो? ज्यादा मत सोचो, चॉकलेट खाओ। हाथ बांधने पर एक और चॉकलेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और गाड़ी स्टार्ट करने वाला चॉकलेट कहाँ है? हेलो, मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। क्या क्या ओबो चामा को किडनैप कर लिया? मालिक, ओबो चामा किडनैप हो गया। अरे अंकल, मेरी पूरी बात तो सुनते जाओ। किसी ने ओबो चामा को किडनैप कर लिया? किसने की होगी ऐसी बुरी हरकत? ओबो परिवार का वारिस किडनैप हो गया है। पता नहीं वो किस हालत में होगा। मैं 100% श्योर हूँ, हमने जिसे पकड़ा है वो ओबो परिवार का वारिस है। क्या तुम्हें सच में पूरा यकीन है?
मैं हूँ ओबो चामा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाय हाय, ये तो सारा का सारा खाना खा गया। जल्दी पैसे नहीं मिले तो इसे खिलाने पिलाने में कंगाल हो जाएंगे। सब्र रखो, अगर हम इसके अमीर बाप के पैसे लूटकर अमीर बनना चाहते हैं तो। बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये भुक्कड़ ओबो परिवार का वारिस है? हाँ मैं ही हूँ। खाना तो खिला दिया, लेकिन खाने के बाद का मीठा कौन खिलाएगा? जरा दो तीन वैरायटी लाना। इतना खा लिया कम नहीं है? क्या ड्राइंग बना रहे हो? नहीं समझोगे, पीछे हटो। वैसे भी मुझे बोर नहीं होना, मैं जाकर टीवी देखता हूँ। हाँ, मेरे फेवरेट कार्टून का टाइम हो रहा है। उस गोलू मोलू पजामा पहने बच्चे को किडनैप हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चला है। एक और छोटा बच्चा किडनैप हो गया। ये है उस किडनैप हुए बच्चे की फोटो। ये लड़का दिखने में थोड़ा अजीब नहीं है? उस बच्चे के सर पे आइसक्रीम कोन जैसी चोटी भी है। कितनी अजीब हेयर स्टाइल है। उसके गाल बिल्कुल रास्पबेरी जैसे हैं। गाल पे ऐसे गोले कौन बनाता है? देखने में बच्चा बहुत अजीब है। जोकर। अगर किसी ने ओबो चामा को कहीं देखा है चामा? तो उनसे निवेदन है कि तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। क्या? हम आपको एक और बार इस अजीब बच्चे की फोटो दिखाते हैं। ये तो मेरी फोटो है, ये मैं हूँ, मैं किडनैप हो गया, मैं तो कितना स्मार्ट था, बुद्धू कैसे बन गया? मुझे घर जाना है, मुझे इसी वक्त घर जाना है, मुझे घर भेजो। हंगामा करना बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट ला कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर। हेलो, कौन? किडनैपर ने फोन किया है। और भाई साहब क्या हाल है? लो अपने बेटे से बात करो। श्यामा तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं अभी स्पेशल वाली चॉकलेट खा रहा हूँ, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, मेरी टेंशन मत लो। अगर ये रोएगा धोएगा नहीं तो फिरौती की रकम कैसे मांगेंगे इसके पापा से? सही कहा तुमने। अब चिल्ला। सुना, अगर तुम अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो चामा। अगर चिमटी काटनी है तो पेट पर काटो। क्या मतलब यहाँ? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, तुम हो मेरे दोस्त, हम सब हैं दोस्त दोस्त। बाबा। अरे मेरा हाथ छोड़ो। ओबो चामा, वहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? कान खोल कर सुनो, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख तैयार रखना। क्या कहा? 30 लाख चाहिए तुमको? एक पैसा कम नहीं लूंगा। पता ये बटन असली हीरे का है। क्या तुम लोगों को कुछ मोती वोती चाहिए? ये मेरा है, मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी छोड़ दो, ये सब चाहिए। मेरे दांत भी कीमती है, मैं छोटा हूँ ना इसीलिए इतना ही फिट आया मेरे अंदर। हिसाब करके देख लो, ये 30 लाख तो आराम से होंगे, इसे रख लो और मुझे छोड़ दो। पता है ये सारी चीजें दुनिया के कोने कोने से हैं। कमाल हो गया। ओबो चामा, थोड़े और बड़े होते तो और चीजें फिट आ जाती। आज तो हमारी लॉटरी लग गई। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी तुम्हें रिटर्न गिफ्ट कुछ दें। तुम दोनों का दिमाग खराब है, सोने की मुर्गी हाथ लगी है। पर यहाँ पर मुर्गी कहाँ है? 30 लाख इस परिवार के लिए बहुत छोटी रकम है, अब मुझे पूरे 30 करोड़ चाहिए। 30 करोड़। तो बच्चों, देखा आपने कैसे इन किडनैपर्स ने चामा को चॉकलेट का लालच देकर किडनैप कर लिया? आप ऐसी गलती ना करें। 30 लाख इस परिवार के लिए बहुत छोटी रकम है, अब मुझे पूरे 30 करोड़ चाहिए। मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया, मैं जरा टॉयलेट होकर आऊँ क्या? हाँ हाँ जरूर जाओ ना। मैं यूं गया और यूं आया। कोई बात नहीं, आराम से। मैं हूँ छोटा सा बच्चा पर मेरा दिमाग बहुत तेज है।
हो गया। अब इसे चिपका देता हूँ। किडनैपर लोगों को लगेगा मैं खिड़की से भाग गया। जब वो मुझे ढूंढने बाहर निकलेंगे तब मैं छुपके से निकल जाऊंगा। है ना बड़ा धमाकेदार आइडिया? कितना सुंदर हार है। कुछ गड़बड़ लग रही है, जाकर देखो वो क्या कर रहा है और उसे यहाँ लेकर आओ। जाओ। ठीक है। क्या हुआ, तुम्हारा हुआ कि नहीं? अरे जवाब तो दो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलते हो या नहीं? तुमने फ्लश क्यों नहीं किया? भाग गया लड़का, भाग गया, जल्दी आओ। आ रहे हैं, चिल्लाओ मत। क्या हुआ? खुद ही देख लो। लड़का भाग गया? गया तो गया, फ्लश करके भी नहीं गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं छुप रहा था, मुझे छुपने की और कोई जगह नहीं मिली। छोटा बच्चा समझकर माफ कर दो। बदबू आ रही है, इसे जल्दी से साफ करो। अरे बस करो, तुमने तो मुझे पूरा नहला दिया। बदबू आ रही है। मुझे लगता है अब हमें फोन कर ही लेना चाहिए। हाँ, कब तक छुपेंगे? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, चलो 5-स्टार होटल चलते हैं। इस छोटे से कमरे में मेरा दम घुट रहा है, मैं एक पूरा स्वीट बुक कर सकता हूँ हमारे लिए। मैं समझ गया, तुम फिर से भागने का प्लान बना रहे हो। तुम चुप रहो। जब 5-स्टार होटल में रहने का मौका मिल रहा है तो छोड़ना क्यों? तुम बुक करो बेटा। एक्सक्यूज मी, मैं आपके होटल का सबसे स्पेशल वाला कमरा बुक करना चाहता हूँ। क्या होटल है? किसी ने पहचान लिया तो? यहाँ सबने महंगे कपड़े पहने हैं और हमने भाड़े के हैं। यहाँ आकर पता चला दुनिया में कितने अमीर लोग हैं, हम ही गरीब हैं। जरा सोचो तो, हम भी कितने अमीर हो जाएंगे एक बार बस फिरौती के 30 करोड़ मिल जाए। हमारा दोस्त किडनैप हुआ है और हम यहाँ पार्टी मनाने आए हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं, मेरा इस पार्टी में आना बहुत जरूरी था, वरना मैं तुम्हें साथ आने के लिए नहीं कहती काकिनो। और मुझे यकीन है ओबोचामा ठीक होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी निकल लेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ चामा ठीक होगा। फिक्र मत करो, मुझे यकीन है हमारा दोस्त ओबोचामा बिल्कुल ठीक होगा। भूख के मारे पेट गुड़गुड़ कर रहा है। ये आवाज तो बिल्कुल, ये तो चामा की ही आवाज है। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग किडनैपर्स हों। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वाह, क्या कमरा है! इस होटल का सबसे खास वाला कमरा है। जिंदगी में पहली बार 5-स्टार होटल का कमरा देखा है। मैंने सपने में भी इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा। इतना नर्म सोफा। आगे आगे देखो, अभी तो रूम सर्विस से ऑर्डर करना है। इस होटल का खाना तो इतना टेस्टी है कि बार बार खाने को मन करता है। हेलो, मेरा ऑर्डर लिख लीजिए। मुझे चाहिए चिकन पॉप लॉली, एक हक्का बक्का नूडल्स, एक पीली चिकन, एक पाओकुंग चिकन और साथ में पीने के लिए ड्रिंक कोल्ड। शेफ, शेफ, अभी अभी किसी ने ये उल्टा सीधा ऑर्डर किया है। ये क्या है? ऐसा उल्टा पुल्टा चाइनीज खाने का ऑर्डर सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। चिकन लॉलीपॉप को चिकन पॉप लॉली, चिकन पॉप लॉली सिर्फ वही कह सकता है। क्या आपका मतलब, वो बच्चा ओबोचामा तो नहीं है? और नहीं तो क्या, जल्दी जाओ, जाकर उसकी फैमिली और पुलिस को इन्फॉर्म करो। ठीक है। अरे छोड़ो हमें। ये दोनों छुप छुप के हम लोगों की सारी बातें सुन रहे थे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। काकिनो समायो, तुम यहाँ? ये क्या, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? और क्या, हम दोस्त हैं। चड्डी मड्डी दोस्त। किडनैप होने के बाद भी तुम्हें
मैं मस्ती मजाक सूझ रहा है। ये बताओ तुमने पुलिस या इसकी फैमिली वालों को कोई खबर दी है क्या? काकी ना पता है मैंने रूम सर्विस से चाइनीज मंगाया है, मिलकर खाएंगे। ये क्या खिचड़ी पका रहे हो? खिचड़ी नहीं चाइनीज मंगाया है। अब तुम प्लान पर रायता मत फैलाओ, मुझे खाने दो। जल्दी से बताओ क्या तुमने पुलिस को खबर दी है? हम पुलिस को चाइनीज खाने की खबर क्यों देंगे? ये लड़का तो पागल है, तुम सच सच बताओ मुझे। चाइनीज खाना आने वाला है, मैं पॉप लॉली खाने वाला हूँ। बस करो, तुम मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तुम याद रखोगे ऐसी शानदार पार्टी दूंगा। मैंने वर्ल्ड बेस्ट चाइनीज खाने के साथ साथ धमाकेदार म्यूजिक, गाना और डीजे भी अरेंज किया है। इट्स शो टाइम। इसे पीकर तो सच में मजा आ गया। बहुत टेस्टी है। ये बताओ तुम लोगों को मेरा डांस परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है? बढ़िया। पार्टी टाइम। ओबोचामा का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? काकिनो सुनो, जल्दी यहाँ आओ और ये देखो। जाबा, बेटा मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। सारे फाइटर जेट मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा सबसे मेन मिशन है, तुम्हें मेरे बेटे को बचाना है। सब ध्यान से सुनिए, जब तक मैं ऑर्डर ना दूं कोई भी अटैक नहीं करेगा। मैं आ रहा हूं जमा, मैं आ रहा हूं। किडनैपर कौन था? देख के तो लग रहा है यही आदमी था। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? मुझे तो इस बात की खुशी है कि बिछड़े हुए बाप और बेटे आखिरकार मिल ही गए। इस बात का तो हम सबको एक साथ जश्न मनाना चाहिए, क्यों? मुबारक हो। मुबारक हो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अपने हाथ ऊपर कर लो। कैसे करें, हम लोग जूस पी रहे हैं। हाँ वो तो है, आइए आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। ओबोचामा ने सिखाया कि सच्चे दिल से किसी को अपना मानकर उसका ख्याल कैसे रखें। हाँ, इसने हमारी सोच बदल दी। हाँ, हमारे अंदर के इंसान को जगाया। ओबोचामा, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मुझे तुम पर नाज है चामा, तुमने किडनैपर्स को सिखाया कि अच्छे इंसान कैसे बनते हैं और पैसा सब कुछ नहीं होता। आज के जमाने में ये काम बहुत ही मुश्किल है चामा, मेरे बहादुर बच्चे। अब मैं क्या कहूँ, मेरी तो बात ही कुछ और है। एकदम सही कहा तुमने, मेरा राजा बेटा।
यू